हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। आज की वीडियो एक एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं मोस्टली उन बच्चों के लिए लाई हूँ जो कि थ्योरी में 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जैसे कि बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स आ रहे हैं बच्चों के। इसलिए एक स्पेशल वीडियो फॉर दोज हु वांट टू स्कोर 100% इन एनी थियोरेटिकल सब्जेक्ट। इस वीडियो में मैं ऐसे 6 रूल्स के बारे में बताऊंगी जो अप्लाई करके अपने आंसर्स वाइल राइटिंग आंसर्स, अगर ये 6 रूल अप्लाई करें तो 100% मार्क्स आर फॉर श्योर गारंटीड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है क्या, डो नॉट जस्ट राइट टू फिल द आंसर शीट। अब इसका क्या मतलब है, जब भी कोई भी स्टूडेंट आंसर लिखता है उसकी मेंटालिटी पहले से यही होती है कि ज़्यादा शीट भरो तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। टीचर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करती है। जब भी वो आंसर पढ़ती है तो वो देखती है कि बच्चे की आंसर की क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं। चाहे तुम कितना भी ज़्यादा करो या लिखो, तुम अगर एक ही चीज़ को बार बार लिखोगे तो टीचर मार्क्स उतने ही देगा चाहे तुम कितनी भी शीट भरो। इसीलिए फोकस हमेशा क्वालिटी पे करना चाहिए आंसर्स में। जब भी आंसर्स लिखो उससे पहले एक बार माइंड में वो पॉइंट्स रिकॉल कर लो जो तुम लिखने वाले हो, और उसके बाद उनको सीक्वेंस में लिखो, उससे आंसर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। सेकंड रूल क्या है, यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मोर देन लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। अब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वर्ड होते कौन से हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो होते हैं जो डेली लाइफ में फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, और लो फ्रीक्वेंसी जो हर कोई यूज़ कर लेता है वर्ड, जैसे बिजनेसमैन हर कोई यूज़ करता है, बट वहीं पर एंटरप्रेन्योर अगर यूज़ करोगे, है तो दोनों सिनोनिम ही, बट एंटरप्रेन्योर आजकल जल्दी कोई यूज़ नहीं करता है, लोग बिजनेसमैन बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड में आ जाता है। तो इसीलिए अपने आंसर को और अच्छा या क्वालिटी अच्छी करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या टीचर के सामने एक इम्प्रेशन बनाने के लिए, यू हैव टू यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, ताकि टीचर सोचे कि बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आंसर की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी हो। थर्ड रूल क्या है, डू नॉट यूज़ कंट्रैक्शन और शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। अब कंट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि कैनॉट को इस तरह से लिख देना, या वुड हैव को इस तरह से लिख देना, या कई बार बच्चे अब मैसेज आजकल मैसेज में इतना टाइप करते हैं कि उनकी इंग्लिश ही चेंज हो जाती है। प्लीज़ को कोई ऐसे लिख देता है या कोई ऐसे लिख देता है, यू को ऐसे के बदले कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं जल्दी जल्दी आंसर लिखने के चक्कर में। तो ऐसे अगर वर्ड्स यूज़ करोगे तो टीचर मार्क्स देने के बदले मार्क्स काटेगा। इसीलिए जब भी आंसर लिखो तो एक बार उसको दोबारा से चेक कर लो कि आंसर सही लिखा है और सही वर्ड्स यूज़ करें या नहीं। कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करना, उस वजह से टीचर मार्क्स काट सकता है। यह है थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है ट्राई टू यूज़ कंसाइज वर्ड। अब कंसाइज वर्ड होते कौन से, हम कोई वर्ड को अगर बढ़ा चढ़ा के लिखे तो ऐसे वर्ड्स के बदले हमें कंसाइज वर्ड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कंसाइज वर्ड अगर आंसर तुम टू द पॉइंट लिखोगे तो टीचर ज़्यादा इम्प्रेस होगा, टीचर ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। कंसाइज वर्ड कौन से होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं वेरी रिच, ही इज़ वेरी रिच, उसके बदले बोलेंगे हम ही इज़ वेल्दी। हमने कम वर्ड यूज़ करा बट आंसर उतना ही रहा, आंसर उतना ही या वो सेंटेंस उतना ही इफेक्टिव वे में प्रेजेंट हुआ किसी के सामने। अगर हम किसी इंसान को बोलेंगे कि शाम इज़ वेरी रिच, इसका मतलब क्या है कि शाम बहुत अमीर है। अगर हम बोलेंगे शाम इज़ वेल्दी, कम यू वर्ड यूज़ करा, छोटा सेंटेंस हुआ और टू द पॉइंट हुआ, या वहीं पर वेरी बैड को ऑफुल बोल दिया। तो ये होता है कि ट्राई टू यूज़ कंसाइज वर्ड ताकि टीचर खुश हो। अगर ज़्यादा घुमा फिरा के बात करोगे तो टीचर उतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा जितने कंसाइज वर्ड यूज़ करने में देगा। अब फिफ्थ रूल क्या है, क्लियर एंड स्पेस वर्ड्स। यस, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग एनी आंसर। टीचर ये नहीं कहता या एग्ज़ाम में ये नहीं होता, एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि तुम वर्ड सजा के लिखो, नहीं, तुम जितना लिख रहे हो, जितना आंसर लिख रहे हो उतना नीट एंड क्लीन करके लिखो, या आंसर्स के बीच में गैप छोड़ो, दो आंसर्स के बीच में लाइंस छोड़ो। टीचर बस इतना चाहता है कि तुम्हारा आंसर दूर से दिखे कि हाँ यहाँ पर बच्चे ने आंसर लिखा, ये अलग क्वेश्चन का
आंसर है ये अलग क्वेश्चन का, अगर तुम वहीं पर ज़्यादा हॉच पॉच कर दोगे तो टीचर खुश नहीं होता है और टीचर मार्क्स काट लेता है, कई बार टीचर गुस्से में मार्क्स भी काट लेता है। इसीलिए नो टाइम एंड नीड टू मेक अ ब्यूटिफुल, बट यू मस्ट राइट इन अंडरस्टैंडेबल मैनर, यानी कि टीचर को समझ आए क्लियरली। टीचर ये नहीं कह रहा है कि ब्यूटिफुल सजा के लिखो, तुम कहीं पर कोई आंसर सजा के लिखो, बट ऐसे लिखो कि वो समझ आए। अब सिक्स्थ रूल और फाइनल रूल क्या है, वर्ड्स एंड डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टीचर 4 मार्क्स दे रहा है, वहीं पर तुमने वही आंसर कोई डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, तो टीचर वहाँ पर मार्क्स देगा ही देगा, कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स देगा। अब कैसे, अब ये तुम्हें ये भी जज करना है कि ये डायग्राम्स कहाँ बनाने हैं। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहाँ पर तुम लिख भी रहे हो और डायग्राम भी बना रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, टाइम वेस्ट करने की बात है। जो डायग्राम है वो आंसर्स के अकॉर्डिंग या जो भी नंबर है, जो उन क्वेश्चन या उन आंसर का वेटेज है, क्वेश्चन का वेटेज है, उसके हिसाब से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट है, अगर वहाँ पर डायग्राम नीडेड है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है या डायग्राम से तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वहाँ पर डायग्राम बनाओ ताकि टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स दे। डायग्राम या ग्राफ्स ही ऐसी एक चीज़ है जहाँ पर टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देता ही देता है। अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम या ग्राफ बनाना इज़ वेरी मस्ट फॉर ऑल दोज क्वेश्चन और आंसर विच आर ऑफ 5 मार्क्स और 6 और 8 वट एवर। तो ये थे 6 रूल्स जिनको फॉलो करके किसी भी थियोरेटिकल एग्जाम में 100% मार्क्स लाना इज गारंटीड अगर ये 6 रूल्स अप्लाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं एग्ज़ाम्स के लिए और ऐसी और वीडियोस लाऊंगी। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।